See the man who won't stay for your meal, giving all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एकेडमी के बगैर सीएसएस की प्रिपरेशन हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपको अपने अंदर क्रिएट करना है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह क्रिएट करना है? आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपने सीएसएस करना है तो बस करना है, ठीक है। फिर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं मानती हूँ कि एकेडमी में एक माहौल होता है, आपके क्लास फेलोज होते हैं, आप में एक कंपटीशन होता है, एक बेटर अप्रोच होती है वहाँ पर। लेकिन आप लोग घर में भी सीएसएस कर सकते हैं अगर आप लोग अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करें, अगर आप लोग टाइम को सही वे में मैनेज करें, अपनी सब चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करें। नंबर टू, कंसिस्टेंसी। कभी भी आपने कोई भी काम पेंडिंग नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि दो दिन वोकैबुलरी याद किए तो तीसरे दिन वोकैबुलरी याद नहीं की, चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नहीं, कोई भी काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है। नंबर थर्ड, मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट रखना है। ऐसा करें कि अपने नाम के साथ CSP लिखना शुरू कर दें। ये चीज़ आपको इतनी मोटिवेशन देगी कि आप लोग दिन रात एक करके CSS की तैयारी कर सकते हैं। अवैल्यूएशन। CSS की प्रिपरेशन में अवैल्यूएशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अवैल्यूएशन क्या होती है कि आप खुद घर में बैठ के टेस्ट करें, खुद को अवैल्यूएट करें। बहुत सी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जिनके थ्रू आप अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स ईजीली निकाल सकते हैं। ऐसी ऐप्स हैं जो आपके ग्रामर की मिस्टेक्स को अंडरलाइन करती जाएंगी। सो आप CSS के प्रिपरेशन विदाउट अकेडमी कर सकते हैं। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड अवैल्यूएशन होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।